चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल पे और एक नए वीडियो के साथ। तो फिलहाल आज महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि के दिन हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मंदिर दर्शन करने के लिए। तो पहले अपना गांव का मंदिर जो है वहां पर दर्शन कर लेते हैं, फिर दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट उमानंदा मंदिर। तो उमानंदा मंदिर जा रहे हैं, तो उमानंदा मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहेगा अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और गाइस, फिलहाल अभी हम लोग अपना गांव का मंदिर में, तो यहां पर गांव का मंदिर दर्शन करेंगे, फिर दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे उमानंदा मंदिर डायरेक्ट। तो एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर देखते हैं आके पूरा डेकोरेशन का काम चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर भी, भैया भैया कब आए आप? हम सुबह से लग रहे हम लोग तो कल रात को 2:30 बजे तक था। मेरा शरीर वैसे भी थोड़ा बुखार बुखार लग रहा है। तो हम लोग सुबह से, मतलब कल लगभग 2:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर था। तो जो कि डेकोरेशन किया हुआ हम लोग पूरा, और भी काम चल रहा है यहाँ पर, तो शाम को कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है ना भैया? तो शाम को कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर और भी डेकोरेशन का काम चल रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा पूजा पाठ करके फिर हम लोग निकलेंगे अपना डेस्टिनेशन पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने कल रात को 2:30 बजे तक, लगभग 2 बजे तक डेकोरेशन किया और ऊपर में पूरा सीलिंग वीलिंग मारा। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, जो कि पूरा गंदा था। तो अभी पूरा सफाई वफाई करके हम लोग यहाँ पर फिलहाल अभी काम चल रहा है। और यहाँ पर भी और भैया लोग थोड़ा फूल माला लोग लगा रहे, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। और इधर भैया जो है यहाँ पर फूल माला लगा रहा है। क्या देवेंद्र भैया, कल आप चला गया रात को? हाँ, हम लोग 2:30 बजे तक काम किया, आप 2 बजे चला गया। आप जो कि बुखार था, आप 12 बजे, आप 10 बजे चला गया। और भैया और नहीं नहीं, हम लोग 2 बजे तक था, हमारा मेरा शरीर खराब था, फिर भी 2 बजे तक काम किया। और यहाँ पर भैया जो है अभी रात को हम लोग जितना भी किया, अभी भैया लोग सुबह काम कर रहे हैं सुबह, क्योंकि मेरा टाइम नहीं। आप भी भाग गया कल? तो कहाँ 1:30 बजे किया, हम गया 2:30 बजे। हम और रोशन दोनों अकेला मिलके पूरा ऐसा सीलिंग मारा यहाँ पर, और वो किया। तो सुबह में जो हम जो अकेला जो था, पूरा मंदिर सफा करके, पूरा गोडाउन सफा करके। इधर मैं आपको बोला पूरा गोबर लाके पूरा लिपना, आप कल बोला था रात को कर देगा, अभी क्या किया? अभी रात को कहाँ गोबर खुदा। और गाइस, हर साल मैं दोस्त के साथ जाता था, तो इस बार मैं जा रहा हूँ मेरे वाइफ के साथ। तो हर साल हम दोस्तों के साथ जाता था उमानंदा मंदिर, तो इस साल मैं जा रहा हूँ मेरा वाइफ के साथ। तो अभी आप लोग जुड़े रहेगा वीडियो में अंत तक। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फूल माला पूरा, यहाँ पर बैलून का डेकोरेशन होगा थोड़ी देर बाद में। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर शिवलिंग पूरा बैलून से भरा हुआ है। तो मेरा यहाँ पर वाइफ और मैं पूजा करने वाला हूँ, ठीक है, महाशिवरात्रि के दिन। तो अच्छे से पूजा करना, हाँ अच्छे से पूजा करना। तो हम लोग दोनों यहाँ पर मिलकर थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे, पूजा पाठ करके अपना फिर निकलेंगे उमानंदा मंदिर के लिए। तो उमानंदा मंदिर में जाके हम लोग फिर पूजा करेंगे। और गैस, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ टिकट ले रहे हैं, और टिकट लेने के लिए तो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग ले लिया यहाँ पर टिकट, टिकट 40 रुपीज पर पर्सन टिकट। तो हम लोग अभी टिकट ले लिया, टिकट लेके हम लोग एंट्री कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं जहाज पे। तो और गाइस, फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर जहाज में उठ चुके हैं, तो जहाज में उठ के हम लोग जाएंगे अभी सीधा उमानंदा मंदिर। तो हम लोग टिकट विकेट लेना हो गया था, और जहाज में अभी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर काफी आदमी आ रहे हैं। तो देखते हो कितना आदमी जाने वाला अभी हम लोग को वहाँ पर। तो मंदिर वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो है मंदिर, वो जो है ना मंदिर, वो वाला है मंदिर, मिट्टी और पत्थर और बीच में मंदिर, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऊपर में रोपे है, जो रोपे से आप लोग यहाँ से सीधा हम लोग जा सकते हैं अमीन गाँव। और इधर भी उधर सकते हैं क्या? उधर नहीं सकते ना, इधर इसका कुछ नहीं है। और गैस, आने में काफ़ी लेट हो गया हम लोग को। तो यहाँ पर आपके देखते हैं, हम देखते रहो यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इतना काफ़ी सारा लाइन है, पूरा एकदम इतना लंबा लाइन है गैस, पूरा मतलब क्या ही बताएं। और यहाँ से पूरा एकदम लंबा 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 लाइन पूरा नीचे तक है। और गैस, क्या हुआ कि हम लोग का यहाँ पर मतलब काफ़ी सारा लाइन था, तो हम लोग क्या हुआ बाहर बाहर ही पूजा कर दिया। तो पूजा करने के बाद अभी हम लोग पूजा करना कम्प्लीट हो गया। तो इतना सारा लाइन है कि गैस क्या ही बताया बात। अभी हम लोग ये थोड़ा सा बाहर इस करें, इतना मतलब वो होके आ गया। तो आप लोगों को देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा है, इस तरह काफ़ी ये सर, आइए मिक्स पाइनएप्पल रतन।
बस मैं आज सुबह सुबह सुमनंद मंदिर जाके आया था, तो अमरनंद मंदिर जाके मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा गांव में भी पूजा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी उचड़ी बना के पूरा काफी रेडी कर चुका है। और यहाँ पर भाई है और इधर हंगला था खिचड़ी कैसे राज्य को बना, आपने बोरिया के बनाए ना, आपने बनाए ना, आपने अकले बनाए ना, मिली आपने अकले बनाए ना, मिली बोले बनाए ना बोरिया एपे लगे एक गुटो लगे। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर घोटा बन रहा है, बाबा जी का प्रसाद यहाँ पर घोटा बन रहा है। घोटा क्या भाई प्रकाश भाई, क्या इसमें भांगूंग भी दिए क्या? कितना दिया भांग भाई? निशा लगेगा क्या इसमें खाने से? बच्चा लोग भी खा सकते हैं ना? मीडियम बच्चा लोग खा सकते हैं ना? इसी तरह का हर साल बनाते, तो इस साल हम लोग उस तरह का बनाने के लिए कोशिश किया, जो की देखते लास्ट में कैसे होता है कैसे नहीं होता है पता नहीं, टेस्ट करने का बात ही पता चलता है। और एक मैं तो बस एक ही साल खाया था घोटा, उसके बाद तो राम राम जी कान पकड़ लिया, उसके बाद तो हम कभी घोटा खाते नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं घोटा बन रहा है और इधर खिचड़ी बन के काफी रेडी हो चुका है, और काफी रेडी यहाँ पर खिचड़ी बन के रेडी। ये क्या है, खिचड़ी नहीं है क्या? ओ अच्छा, ये सब्जी है गैस लफड़ा। और इधर है खिचड़ी, दिखा दो भाई। और इधर खिचड़ी पूरा रेडी है, और इसमें क्या है? ओ इसमें ऑलरेडी घोटा बन के रेडी है गैस, इसमें ऑलरेडी एक एक थाली घोटा बन के रेडी है। पंडित जी को इतना लेट क्यों हुआ? वो बाबा बोलेंगे, जो बोलेंगे उसको बाबा बोलेंगे ना। तो आप लोग एक्चुअली पंडित जी को टाइमिंग नहीं दिए थे क्या? हाँ, कितना बजे से बोलिए? और इधर जो है गांव का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो मैं थोड़ा सा एक बार फोटो ले लेता हूँ उन लोगों को, ठीक है? बढ़िया से ले लेता हूँ। और इधर भजन कीर्तन चालू हो रहा है, करता जो चंडाल काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल काल मृत्यु मत काम, करता जो चंडाल काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल काल मृत्यु मत काम।